बेयन मंडल स्टेडियम में वार्ड सचिवों की एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में वार्ड सचिव उपस्थित हुए। बैठक जिला अध्यक्ष मदन कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष मदन कुमार ने कहा कि बीते 4 वर्षों से बिना किसी अनुदान के सरकार के साथ निश्चय योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वार्ड सचिव लगातार प्रयास कर रही है। वार्ड सचिव संघ के द्वारा लगातार सरकार से वार्ड सचिवों को अस्थायीकरण एवं मानदेय निर्धारण सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। संगठन विस्तार एवं संगठन की मजबूती पर भी बैठक में चर्चा हुई, जिसमें पंचायत स्तर पर भी पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार हम लोगों के प्रति सकारात्मक पहल कर रही है, इसके लिए सरकार के आभारी हैं, लेकिन जब तक हमारे 3 सूत्री मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। विगत 4 वर्षों से हम लोग सरकार के साथ निश्चय योजना में वार्ड सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें ना तो सरकार आज तक 1 रुपया मानदेय दिया है और ना ही कोई भत्ता मिलता है। हम लोग 4 साल से फ्री में काम कर रहे हैं और काम करते हुए हम लोग सरकार से मांग किए कि हमारे सचिव का अस्थायी हो, अस्थायीकरण किया जाए, सम्मानजनक मानदेय मिले और सरकारी कर्मी का दर्जा दे। तो उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ एक जिला में अपना जिला स्तरीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो भी 3 मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम लोगों के सचिव सही से अपना जीवन यापन कर सके और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मदन कुमार यादव हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ पंचायत वार्ड सचिव संघ मधेपुरा।